मोहाली के जिला कारागार में हत्या के मामले में बंद एक बंदी की मौत हो गई। मृतक के भाई ने जेलर पर हत्या का आरोप लगाया है। जी हां, वहीं जेल अधीक्षक ने बीमारी से मौत का कारण बताया है। जेल अधीक्षक का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हरपालपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर पंजा निवासी कंठोर शिव रहरी एक फौजी की हत्या के मामले में जनवरी 2011 से जिला कारागार में बंद थे। उनके साथ उनका भाई निजाजी व एक अन्य साथी रामदेव भी बंद थे। इन दोनों लोगों की जमानत हो गई थी, लेकिन कंठो की जमानत नहीं हो सकी थी। यह लोग बड़ा गांव निवासी जयप्रकाश पाठक फौजी की हत्या के मामले में बंद थे। गुरुवार की सुबह कंठो को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के भाई मिजाजी ने जेलर पर लापरवाही व गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल जेल अधीक्षक ब्रिजेंद्र यादव का कहना है कि मृतक कई साल से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना हरपालपुर, क्या हुआ? ये हुआ, हमारा भाई अंदर था, कुछ बीमारी थी, जेलर साहब कोई बातचीत हो गई, उनने पीटा इनको एक बार 3 महीना पहले। इसके बाद जैसे उनने वहाँ ले गए लखनऊ गेट पर तक, 16 तारीख हमारी थी, मैंने तारीख की, तो हमारे भाई ने कहा इनने कोई दवा नहीं दिलाई, कोई वो नहीं किया, कुछ नहीं किया। बाद में आकर जेल में भीतर कर दिया, अपने भीतर कुछ कर किया हो, ये है मामला है जेलर से। कहा जेलर ने मौत, हमारे भैया की मौत जेलर ने की। क्या लग रहा आपको, कैसे हुई और कैसे क्या किया गया? इंजेक्शन। आज प्रातः हमारे यहाँ विचाराधीन बंदी कंठू उर्फ शिवहरी, पिता का नाम राधेश्याम और थाना उसका हरपालपुर का था, और हमारे यहाँ पिछले 2011 से निरुद्ध है, दो मुकदमों में 302 और दफा 25 में। विगत पिछले 4 वर्षों से उसे एड्रिनल ग्लैंड पे मांस का टुकड़ा एकत्र हो रहा था, उसका इलाज उसका KGMC से चल रहा था, और अभी भी रिसेंटली वो परसों हमारे यहाँ से KGMC भेजा गया था। KGMC में उसका ट्रीटमेंट हुआ और उसको फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख के वापस भेजा गया था, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आज उसे यहाँ से जिला चिकित्सालय भेजा भी जाना था, जिस संदर्भ में पुलिस गार्ड भी आई, लेकिन उससे पहले ही उसके स्वास्थ्य की कंडीशन अच्छी नहीं पाई गई, उसको तत्काल जो है चिकित्सक द्वारा जिला चिकित्सालय संदर्भित कर दिया गया, जहाँ पे वो इलाज के दौरान उसकी प्रातः 7:45 बजे के आसपास में मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के कुछ आरोप हैं, इसके विषय में तो मुझे पता नहीं है परिजनों का क्या आरोप है, और बाकी ये है कि आप लोगों के माध्यम से मैं ये चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बंदी के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण कराया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। पोस्टमार्टम परीक्षण में उसकी मृत्यु का अंतिम कारण स्पष्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ बंदी की मृत्यु के संबंध में न्यायिक जाँच हेतु नियमानुसार चीज़ें लिखी जा चुकी हैं और CJ महोदय से अनुरोध कर लिया गया है न्यायिक जांच की, जिसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट हरदोई को भी प्रेषित की गई है, और साथ ही साथ समस्त उच्चाधिकारियों को भी मृत्यु और जांच के संबंध में चीजों से अवगत कराया गया है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।